बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11वीं इतिहास अरब साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण एवं वाणिज्य के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। अरब साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, वहाँ की जो शहरीकरण, कृषि एवं वाणिज्य किस प्रकार था, मैं आपको पहले कृषि के बारे में समझा रहा हूँ। अरब साम्राज्य के अंतर्गत अरबों की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी उन्नत व्यवस्था में थी, अरबों की आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाने में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे आदि की भूमिका थी। लेकिन इसमें कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। अरब साम्राज्य के अंतर्गत नए बीते गए क्षेत्र में बहुसंख्यक जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भूमि के स्वामी छोटे व बड़े किसान होते थे। कहीं कहीं राज्यों का भी भूमि पर स्वामित्व होता था। राज्य का कृषि भूमि पर पूर्ण नियंत्रण होता था। राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन भूमि से प्राप्त राजस्व, भू राजस्व था। अरबों द्वारा जीते गए क्षेत्रों में खेती करने वाले भूमि स्वामी राज्य को कर प्रदान करते थे। इस कर को खराज कहा जाता था। खराज की हर उपज के आधे से लेकर उसमें पांचवे हिस्से तक होती थी। लेकिन मुस्लिम भूस्वामियों को गैर मुस्लिमों की तुलना में राज्य को काफ़ी कम खराज देना होता था। मुस्लिम भूस्वामियों को उपज का केवल दसवां भाग खराज के रूप में राज को देना पड़ता था। अरबों की भू राजस्व संबंधी इस असमानता की नीति ने धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया। अनेक गैर मुस्लिम लोगों ने खराज कम अदा करने के उद्देश्य से मुसलमान बनना स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप राज की भू राजस्व के रूप में होने वाली बड़ी आय कम हो गई। अतः अरब खलीफाओं ने इस आर्थिक क्षति को रोकने के लिए धर्मांतरण को निरुत्साहित करने की नीति अपनाई। लेकिन कालांतर में उन्होंने कराधान की एक समान नीति का अनुसरण किया। अरब साम्राज्य के अंतर्गत राज्यों की कृषि के विकास में काफ़ी रुचि होती थी। राज्य कृषि के अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई के साधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राज्यों के द्वारा बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई, जिनमें सामान्यतः पंचक्कियां अथवा नोरियां लगी होती थी, आदि में सहायता प्रदान की जाती थी। राज्य द्वारा कृषि भूमि के विस्तार के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। इसके अंतर्गत ऐसी भूमि जिस पर पहली बार खेती की जाती, उस पर खेती करने वाले किसान को कर में छूट प्रदान की जाती थी। इस प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का पर्याप्त विस्तार हुआ। अनेक नई फसलें जैसे कपास, संतरा, केला, बैंगन, पालक, तरबूज आदि की खेती की गई और अनेक कृषि उत्पादों का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। शहरीकरण
मध्यकाल में जैसे जैसे शहरों की संख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे इस्लामी सभ्यता भी विकसित होती चली गई। इस दौरान इस्लामिक राज्यों में अरब सैनिक स्थानीय प्रशासन की रीढ़ माने जाते थे। इन अरब सैनिकों को बसाने के लिए अनेक नवीन शहरों की स्थापना की गई। वे नवनिर्मित शहर फौजी शहरों की श्रेणी में आते थे। इस प्रकार के शहर इराक में कूफा एवं बसरा और मिस्र में फुस्तात एवं काहिरा में स्थित थे। अब्बासी खिलाफत के शासन के दौरान राजधानी के रूप में बगदाद की स्थापना की गई। इस शहर का विकास भी तेजी से हुआ। 50 वर्षों के अंदर ही बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख हो गई थी। अरब साम्राज्य के अंतर्गत उप शहरों के अतिरिक्त कुछ पुराने शहर जैसे समरकंद, दमिश्क और इम्तहान भी थे, जिन्हें इस काल में नया जीवन प्राप्त हुआ। शहरी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खदानों, कपास, चीनी आदि जैसे सामग्री के उत्पादन को बढ़ाया गया, जिससे इन शहरों का विकास हुआ। इस प्रकार शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। क्योंकि शहर एक दूसरे के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जुड़े होते थे, इसलिए इन शहरों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित हुए और इनके कारोबारों में वृद्धि हुई। प्रत्येक शहर के केंद्रों में दो भवन समूह हुआ करते थे। शहर की समस्त सांस्कृतिक एवं आर्थिक शक्ति का संचालन इन्हीं दोनों भवन समूह से होता था। इनमें एक मस्जिद होती थी, जिसे मस्जिद अल जामी के नाम से जाना जाता था। यह मस्जिद इतनी विशाल होती थी कि इसे दूर से भी देखा जा सकता था। शहर में दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी होता था, जिसे सुख के नाम से जाना जाता था। इसमें कतारों में दुकान बनी होती थी। इसके अतिरिक्त इसमें व्यापारियों के आवास, फंदुक और शराब का कार्यालय भी होता था। शहर के प्रशासकों, विद्वानों और व्यापारी को तुज्जर के आवास गृह इसी भवन समूह केंद्र के निकट होते थे। सामान्यतः नागरिकों एवं सैनिकों के आवास गृह भवन समूह के भारी घेरे में बने होते थे। शहरी गरीबों के आवास गृह शहर के बाहरी इलाकों में, शहर के प्रत्येक भाग में अपनी मस्जिद, गिरजाघर, सिनेगोग, यहूदी जिसको यहूदी प्रार्थना स्थल कहते हैं, छोटी सी मंडी, सार्वजनिक स्नानघर और एक सभा स्थल आदि होते थे। शहर के बाहरी इलाकों से लाई जाने वाली सब्जियां, फल के लिए बाजार लगा करते थे। काफिलों के ठिकाने सराय और कब्रिस्तान के शहर के बाहर बनाए जाते थे। चमड़ा साफ करने, रंगने और कसाई के काम जैसी दुकानें भी शहर के बाहर होती थी। सभी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था। नक्शों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते थे। व्यापार और वाणिज्य अरब साम्राज्य के अंतर्गत राजनीतिकरण, एकीकरण, शहरों के विकास और खाद्य पदार्थों का विलास
वस्तुओं की निरंतर बढ़ती हुई शहरी मांग ने व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में मुस्लिम सम्राट की भौगोलिक स्थितियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 500 से भी अधिक वर्षों तक भारत, चीन और यूरोप के मध्य होने वाले सामुद्रिक व्यापार पर अरब और ईरान व्यापारियों का एक अधिकार स्थापित था। इस व्यापार के दो मुख्य मार्ग थे, लाल सागर और फारस की खाड़ी। इन दोनों मार्गों पर प्रारंभ में उमय्यद खलीफाओं और बाद में अब्बासी खलीफाओं का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित रहा। इस काल में लंबी दूरी का व्यापार जल मार्गों द्वारा किया जाता था। मसालों, कपड़ों, चीनी, मिट्टी के बर्तन और बारूद जैसी महंगी वस्तुओं को भारत व चीन से लाल सागर के अदन एधाब बंदरगाहों तथा फारस की खाड़ी के सिराफ व बसरा बंदरगाहों तक पानी के जहाज़ों से लाया जाता था। इसके बाद यहाँ से यह माल जमीनी रास्ते से ऊँटों के माध्यम से बगदाद, दमिश्क तथा एल्पो के भंडार ग्रहों तक पहुँचाया जाता था। बगदाद के इस्लामी राजधानी बनने के बाद 8वीं और 9वीं शताब्दी में काफ़ी व्यापारिक उन्नति हुई, जिसमें यहूदी समुदाय ने सक्रिय भूमिका अदा की। उत्तरी अमेरिका के यहूदी समुदाय से संबंधित गैनीजा दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में यहूदी समुदाय के लोग पूर्वी भूमध्य सागर में व्यापारिक गतिविधियों का अच्छा संचालन करते थे। इनमें से कुछ लोग भारत से सीधा व्यापार करते थे। ये लोग व्यापार के लिए लंबी यात्राएं करते थे और विश्व के हर भाग में आते जाते थे। मध्यकाल में एशिया में प्रमुख रूप से सिल्क, फोसलिन, चंदन की लकड़ी और मसालों का व्यापार होता था। ईरानी व्यापारी मध्य एशिया एवं चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज भी सम्मिलित था, खरीदने के लिए बगदाद से बुसरा तथा समरकंद तुरान होते हुए रेशम मार्ग के द्वारा चीन जाते थे। उत्तर में रूस, स्कैंडिनेविया तथा तक फैले हुए वाणिज्य तंत्र में तुरान एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह वाणिज्य तंत्र यूरोपीय वस्तुओं, विशेषकर फर और इस्लाव गुलाबों के व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इन बाज़ारों से खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए तुर्क गुलामों की खरीद फरोख्त की जाती थी। इन वस्तुओं के मूल की अदायगी के लिए इस्लामी सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। बच्चों, मैंने आपको जो अरब है उसका जो आर्थिक जो संबंधता थी उसके बारे में, अरब के आर्थिक विकास के बारे में आपको समझाया और पढ़ाया है। और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।